हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट का अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 11। इस लेक्चर में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे डिटरमिनेंट के हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। अब यहाँ देखिए, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये दोनों इक्वेशंस को यदि हम एक साथ बोलेंगे, ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, इसका नाम दे देते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसका मतलब मोर देन वन इक्वेशंस यूज हुआ है, मतलब एक से अधिक इक्वेशंस का पक्का यहां यूज हुआ होगा। This is system of linear equations in two variable. कोई आदमी ये बोल रहा है या इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यदि ये बोल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि यदि हम एक भी इक्वेशन यूज कर लें तब भी मेरा काम बन जाएगा, ठीक है, लेकिन यदि मोर देन वन इक्वेशन रहेगा कंबाइनली, यदि ये सबको बोलना नहीं मुझे कंबाइन करके, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यदि ये क्वाड्रेटिक में होता, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से होता, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन, सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन एक्स भी बोल सकते थे यहां पर, ठीक है, सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स बोल सकते हैं, यहाँ क्यूबिक भी रह सकता है। बात आ रही है समझ में, मोर देन वन इक्वेशंस को यदि कंबाइन, है ना, कंबाइनली यदि एक साथ बोलना हो मुझे तो आराम से यहाँ सिस्टम वर्ड यूज कर सकते हैं। चलिए पहली बात समझ में आया, अब हम आराम से बोल सकते हैं यहां पर कि इसको क्या बोलेंगे, आपको आइडिया आ गया होगा। इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। फिर मान लीजिए इसमें वेरिएबल्स बढ़ा देते हैं यदि हम, इसको हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फोर वेरिएबल्स, है ना। बात आ रही समझ में, और भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसी में एक होमोजेनियस नाम का भी वर्ड एक यूज होगा, जैसे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस भी हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले होमोजेनियस का मतलब समझना पड़ेगा आपको। होमोजेनियस का मतलब होता है समघाती है, ठीक है, मतलब समान घात होना चाहिए सभी का। जैसे यहाँ देखिए होमोजेनियस किस, अब जैसे ये सिस्टम दिख रहा है, ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये होमोजेनियस कब होगा, जब घात क्या होगा, समान होगा, ठीक है क्या। जैसे यहाँ देखिए, मतलब घात समान होने का मतलब वेरिएबल का घात समान होना चाहिए,
अब ये नहीं कि कॉन्स्टेंट के पावर को देखेंगे, समघाती हुआ होमोजीनियस का मतलब पावर क्या होना चाहिए, समान दिखना चाहिए सभी में। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक जगह कोई आदमी ऐसे लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, क्या हम इसको होमोजीनियस बोल सकते हैं? आप बिल्कुल बोलेंगे। होमोजीनियस कहने का मतलब ये हुआ कि यदि जैसे इसका डिग्री देखिए, यहाँ वेरिएबल का डिग्री वन है लेकिन एक्स का डिग्री वन वाई का डिग्री वन दोनों को कंबाइन करके डिग्री यहाँ बोलना है, दोनों का डिग्री हो जाएगा टू। यहाँ वाई का डिग्री क्या है? टू है। या एक और तरीका है चेक करने का, ठीक है ना, एक और तरीका है चेक करने का, मतलब x के जगह पर kx रखेंगे, y के जगह ky रखेंगे, कॉमन करने पर यदि यही चीज दिखने लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि x ये एक x और y दोनों का फंक्शन है, ठीक है, तो x को हटा के उसके जगह पर kx रखिए, y को हटा के उसके जगह पर ky रखिए, तो ये आ जाएगा a इंटू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एच, यहाँ के यहाँ के, फिर आ जाएगा के स्क्वायर एक्स वाई, फिर ये आ जाएगा b, y की जगह पर के वाई रखेंगे तो के स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर यहां से देखो के स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या, फिर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। नहीं, अब आप देख लो यहां पर, अब ये हम नहीं बोलेंगे कि के इंटू ये आ रहा है, यहां ये देखना है क्या कि ये जो x की जगह पर के एक्स और y की जगह पर के वाई रखने पर अपने को मिल क्या रहा है, के इंटू के स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये चीज आ गया ना, फिर से दोबारा ये होमोजीनियस हो जाएगा। लेकिन यदि यहां पर देखिए, यदि कोई आदमी एक्स और वाई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू लिख लेता है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जैसे मान लीजिए सी लिख लिया, अब यहां पर यदि वो रखेगा x की जगह पर के एक्स और y की जगह पर के वाई, यहां से यहां तक ही हम के स्क्वायर कॉमन कर पाएंगे, चूंकि यहां देखिए अभी हम रख करके बता दिए हैं, यहां रखेंगे तो इतना तक में क्या हो जाएगा, के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा के स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, फिर यहां देखो प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो यहां ये वाला एक्सप्रेशन है वो कंप्लीटली यहां नहीं दिखेगा, ठीक है, इतना बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, यहाँ समझने के लिए हम आपको अभी होमोजेनियस को समझा रहे हैं, ठीक है, कैसे समझेंगे यही चीज यहाँ, के स्क्वायर इंटू समथिंग मल्टी के स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई यदि यहाँ आ जाता, यदि मान लीजिए यहाँ के क्यूब इंटू ही एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आ जाता, ठीक है, तो फिर हम क्या बोल देते हैं, होमोजेनियस बोल देते, बट ऐसा नहीं है यहाँ पर, इसलिए ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस नहीं कहेंगे। किसके वजह से नहीं हुआ, ये सी के वजह से, ठीक है ना, ये सी के वजह से, सी इसको होमोजीनियस होने नहीं दिया, मतलब इसका डिग्री टू नहीं है, इसका डिग्री जीरो है, यदि यहां देखा जाए तो एक्स के पावर में भी जीरो है, वाई के पावर में जीरो है, दोनों को जोड़िए डिग्री टू कभी भी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ वाई का पावर टू है, एक्स का पावर जीरो है, यहाँ एक्स का पावर वन, वाई का पावर वन, दोनों की डिग्री को जोड़ेंगे टू आएगा, यहाँ एक्स टू है, वाई जीरो है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, टू आएगा, ठीक है, x और y को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, समान घात होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, ये समघातीय होगा, होमोजीनियस होगा, ठीक है, यही मुद्दा है यहाँ पर। अब एहसास हुआ, इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यदि मेरे को होमोजीनियस करना रहेगा तो केवल क्या करना है, कॉन्स्टेंट टर्म को हटा देंगे, उसके जगह पर जीरो रख देना है, ठीक है, कॉन्स्टेंट को हटा दो, उसके जगह केवल जीरो रख दो, होमोजीनियस में चेंज हो जाएगा ये। अब जैसे देखो कांस्टेंट हटाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट का डिग्री जीरो है, ठीक है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस, अब यहां हम लिख देते हैं जैसे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, अब देख लो इसका यहां पर भी एक्स का पावर वन है, यहां भी वाई का पावर वन है, समघातीय हो गया, होमोजीनियस हो गया, ठीक है, अब फिर ए वन एक्स प्लस
बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू जीरो, फिर यहां से आ जाएगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू जीरो, फिर यहां से ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो, ये भी होमोजीनियस हो जाएगा। यहां चूंकि हम पहले लिख लिए सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है, फिर यहां आ जाते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये वाला कहानी है यहां पर। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू टी इज इक्वल टू जीरो, फिर ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड प्लस डी थ्री टी इज इक्वल टू जीरो, फिर यहां पर आ जाएगा ए फोर एक्स प्लस बी फोर वाई प्लस सी फोर जेड प्लस डी फोर टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये सब के सब सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस होगा। समझ में आया? सबसे पहले तो अभी हम आपको पकड़ने के लिए बता दिए हैं इक्वेशंस को पकड़ेंगे कैसे, ये हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना, टू वेरिएबल्स होगा, ठीक है ना, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल, ये हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फोर वेरिएबल, ठीक है, इसको भी हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोल सकते हैं, इसको भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोल सकते हैं, इसको भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोल सकते हैं, ठीक है क्या, लेकिन इसमें भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ये होमोजेनियस है, बात आ रही समझ में, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस बोलेंगे बच्चा लोग, ठीक है ना, फिर इसको भी सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस बोलेंगे, इसको भी सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस बोलेंगे, ठीक है। अब देखना है कि इसको हम लोग डिटरमिनेंट की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं डिटरमिनेंट की हेल्प से इसको कैसे सॉल्व करना है ये चीज अब हम लोग, है ना, आगे इसको मिटाने के बाद जानेंगे, पहले तो जो भी समझाना था मुझे, है ना, उसको मैंने क्या किया आपको समझा दिया, पकड़ में आ गया, होमोजीनियस कैसे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, ये नॉन होमोजीनियस है, होमोजीनियस इसमें नहीं है, जब जब तक कॉन्स्टेंट नहीं हट जाता है तब तक ये होमोजीनियस नहीं होगा। हाँ, यदि यहाँ पर मान लीजिए यू 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 दे देते हैं, यू वेरिएबल है, तब ये पूरा पूरी होमोजेनियस हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसके ऊपर बात करते हैं। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग डिटरमिनेंट, आ रही बात समझ में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग डिटरमिनेंट के हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर। तो एक काम कर लेते हैं बच्चा लोग, ठीक है, थ्री वेरिएबल वाले को सॉल्व करने के लिए हम आपको सिखा देते हैं, टू वेरिएबल वाला भी आसानी से हो जाएगा, या चलो टू से स्टार्ट करते हैं ना, आसान आसान तरीके से, है ना, ताकि आपको बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में भी आएगा, छोटे छोटा क्वेश्चन नहीं, छोटे छोटा कंसेप्ट से, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस को डिटरमिनेंट के हेल्प से सॉल्व कैसे करना है ना, उसके बारे में सीखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले चलिए यहाँ ये इक्वेशन वन इक्वेशन टू है, यहां देखिए एक काम हम लोग कर लेंगे यहां पर, वो काम ये कि एक डेल्टा एज्यूम करना है अपने से, अब वो डेल्टा है क्या हम आपको बता देते हैं, एक डेल्टा एज्यूम करना है यहां पर। अब डेल्टा को देखिए याद कैसे रखते हैं, डेल्टा एक टू बाय टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, जितना वेरिएबल उतना ऑर्डर का डिटरमिनेंट लेना है आपको,
इसमें दो वेरिएबल है, इसलिए दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट लेंगे। और इस दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट के पहला कॉलम में ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिख रहा है उसके एक्स कोऑर्डिनेट को डालना है, a1 a2 ठीक है, फिर यहां आ जाएगा b1 b2 और y कोऑर्डिनेट को सेकेंड कॉलम में। यहां तक समझ में आ गया? डेल्टा को याद रखना कितना आसान है। क्या करेंगे, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है इसके एक्स के कोएफिशिएंट को इस 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के पहला कॉलम में डालेंगे, y के कोएफिशिएंट को दूसरा कॉलम में डालेंगे बच्चा लोग, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, x का वैल्यू, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, x का वैल्यू। अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। x कैसे निकालेंगे, x निकालने के लिए एक चीज यहां पर समझना है, ठीक है। x निकालना कैसे है, x निकालने के लिए एक काम कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां देखिए a1x plus b1y is equal to c1 है, a2x plus b2y is equal to c2 है। एक काम करते हैं, ये दिख रहा है यहां पर a1x plus b1y का वैल्यू हम c1 रखने का प्रयास करेंगे इस डिटरमिनेंट के अंदर में, और a2x plus b2y का वैल्यू c2 रखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तभी तो हो पाएगा। तो एक काम इसी डेल्टा के साथ कर लेते हैं यहां पर। चलिए नंबर वन 4x है, यूजिंग दिस इज c1 x into c1 plus y into c2। ये करने से देखिए एडवांटेज क्या मिलने वाला है अपने लोगों को। सबसे पहले यहां डेल्टा है, ठीक है। अब देखिए जिस कॉलम में मेरे को रखना है उसमें x से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहां 1/x हो जाएगा। फिर देखिए इसमें x से मल्टीप्लाई करना है कॉलम वन में, इसमें y से करना है, दोनों को एड करना है, तो ये देखो क्या मिल जाएगा, a1x plus b1y, ठीक है। फिर यहां क्या मिल जाएगा, a2x plus b2y। फिर यहां c2 को हम मैंने कुछ नहीं कर किया है यहां पर, है ना, इस वजह से यहां क्या आ जाएगा, b1 और b2 यहां एज इट इज रह जाएगा, और इसको हम लोग क्या करते हैं c1 c2 से रिप्लेस कर लेते हैं। तो 1/ कितना आ गया, 1/x इज इक्वल 1/x इनटू डिटरमिनेंट ऑफ, है ना, c1 c2 यहां आ जाएगा, और उसके बाद b1 b2 इस जगह पर। अब ये एक नया डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है। इस डिटरमिनेंट का नाम कुछ रख देते हैं, और इस डिटरमिनेंट का नाम रख देते हैं बच्चा लोग डेल्टा 1। आ रही बात समझ में, देखो यहां मिला क्या अपने लोगों को, यहां मिला डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1/x, लेकिन मुझे x निकालना है। यहां से कुछ आइडिया आया, x मुझे निकालना था, ठीक है ना, इसीलिए ये वाला ऑपरेशन हम क्या किए, लगा दिए। यहां से क्या हो गया, c1 में यदि हम x इंटू c1 प्लस y इंटू c2 कर करके लिख देते हैं, तो यहां मेरे को x से डिवाइड भी लगाना पड़ेगा, है ना, और फिर ये नया डिटरमिनेंट बनेगा, इसको हम लोग डेल्टा 1 मान लेते हैं। फिर यहां देखिए यहां से x निकालेंगे, इस x को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1, फिर यहां सब x निकालेंगे तो आ जाएगा ना डेल्टा 1/डेल्टा, ठीक है। x मिल गया मुझे, अब डेल्टा 1 भी मिल गया। डेल्टा 1 क्या है ये आपको पता ही है, यहां चलिए लिख लेते हैं, हियर डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या क्या मिला, c1 c2, फिर यहां मिला b1 b2 उसका। चलिए नंबर 2, अब मेरे को y निकालना है, y निकालना है, तो एक काम कर लेते हैं, ठीक है। अब y निकालना है तो y डेल्टा का रिलेशन y के साथ तो होना चाहिए, मतलब इस डेल्टा का रिलेशन तो y के साथ लाना पड़ेगा ना यहाँ पर। इसके लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, एक काम कर लेते हैं, यहाँ यही ऑपरेशन को सेकेंड कॉलम में लिख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा, देखो जिसमें लिखेंगे उसी में यदि मेरे को रखना है तो y से डिवाइड लगाना रहेगा, तो y मेरे को मिल ही जाएगा। ये वाला काम कर लेते हैं, जैसे c2 में x into c1 तो करना ही है, इसलिए ये करना है कि ये मिलेगा और इसके जगह पर इसको रिप्लेस करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा x into c1 plus y into c2। ये सब बताया हुआ है कि अब यहां y से क्यों डिवाइड होता है, ये सब बताया हुआ है बेटा, ठीक है। ये आ जाएगा 1/y, और फिर यहां से देखोगे a1 a2, उसके बाद फिर यहां से यहां आ जाओ a1x plus कितना b1y, फिर यहां a2x plus कितना हो जाएगा b2y, इसके जगह c1 इसके जगह पर c2 रिप्लेस कर दो, ये आ जाएगा 1/y, फिर यहां a1 a2, फिर यहां आ जाएगा c1 c2। ये डेल्टा है, अब इसका नाम दे देते हैं क्या, डेल्टा 2, या यदि यहां नहीं दिख रहा है तो इसको हम लोग डेल्टा 2 बोल देते हैं, ठीक है।
यहां क्या मिला, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 2 बाय वाई, वाई को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, वाई इन टू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 2 और वाई इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा 2 बाय डेल्टा, फिर यहां से वाई भी मिल गया। अब डेल्टा 2 देखो यहां पर कैसे लिखेंगे, हियर यहां डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा 2 देखो क्या है, डेल्टा 2 देखो यहां पर क्या है, a1 a2 फिर c1 c2। आ रही बात समझ में, मेरे को नहीं लगता यहां तक थोड़ा मोड़ा भी दिक्कत होना चाहिए आपको, ठीक है। बट यहां याद कैसे रखा जाए डेल्टा 1 डेल्टा 2 को, ये भी एक यहां मुद्दा है, ठीक है, ये भी एक यहां मुद्दा है सच में। डेल्टा 1 डेल्टा 2 को याद कैसे रखेंगे, अब थोड़ा सा एक रिमार्क कर लेते हैं यहां पर। अब चूंकि लीनियर इक्वेशन आपका दिया हुआ था a1x + b1y = c1, फिर यहां a2x + b2y = कितना c2। अब देखो डेल्टा को याद रखने का तरीका क्या है बच्चा लोग, ठीक है, डेल्टा याद रखना है चूंकि 2 वेरिएबल वाला है तो डेल्टा भी है ना 2 ऑर्डर का ही होगा, और डेल्टा के है ना कॉलम 1 में हम लोग क्या करेंगे एक्स के कोफिशिएंट को डालेंगे, फिर इस डेल्टा के कॉलम 2 में क्या करना है वाई के कोफिशिएंट को डाल देंगे, ठीक है। अब डेल्टा तो आसानी से याद हो जाता है बच्चा लोगों को, डेल्टा 1 भी आसानी से याद हो जाएगा और डेल्टा 2 भी आसानी से याद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर डेल्टा 1 को कैसे याद रखेंगे, डेल्टा 1 को गौर से यदि देखा जाए, पहले लिख लेते हैं यहां पर डेल्टा 1, देखो क्या आया है, डेल्टा 1 यहां आया है c1 c2 और उसके बाद b1 b2, और डेल्टा 2 देखो क्या आया है यहां लिखा हुआ है ना a1 a2 उसके बाद c1 c2 नहीं। अब यदि गौर से देखा जाए, ठीक है, अच्छा एक चीज और, x का वैल्यू देखो हम लोग कैसे निकालते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं डेल्टा 1 बाय डेल्टा, और y का वैल्यू निकालते हैं क्या, अच्छा यहां लिख लेते हैं, बच्चा को नहीं भी दिख रहा होगा, x का वैल्यू निकालने का तरीका क्या है डेल्टा 1 बाय डेल्टा, और y का वैल्यू निकालने का तरीका है डेल्टा 2 बाय डेल्टा। अब यहां देखो एक चीज, डेल्टा याद हो जाएगा, डेल्टा 1 याद नहीं होगा अभी, डेल्टा 2 याद नहीं होगा, ठीक है। अब यहां गौर से देखा जाए तो डेल्टा 1 को गौर से देखो, डेल्टा 1 से x का वैल्यू निकलता है जो कि x is equal to डेल्टा 1 में डेल्टा है, आया ना। यदि मेरे को अब यहां गौर से देखेंगे, यदि मेरे को x का वैल्यू निकालना रहेगा तो x के कोफिशिएंट को डेल्टा x का वैल्यू निकलेगा तो डेल्टा तो आराम से डेल्टा तो निकालना ही पड़ेगा मुझे, x के लिए डेल्टा 1 निकालना पड़ेगा। अब डेल्टा 1 को याद कैसे रखेंगे, तो डेल्टा में ही क्या करना है, देखो डेल्टा में ही x के कोफिशिएंट को हटा दो, उसके जगह पर कांस्टेंट रख दो। यदि x का वैल्यू निकालना रहेगा तो डेल्टा 1 मेरे को निकालना पड़ेगा, और डेल्टा 1 को याद रखने का तरीका है डेल्टा 1 से x का वैल्यू निकलता है, तो डेल्टा में ही जो x का कोफिशिएंट है उसको हटा देंगे, उसके जगह पर कांस्टेंट टर्म को रख देंगे, देखो वही चीज आया है, बाद में की एज इट इज रहने देना है। इसे 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, थोड़ा सा आसानी से आप समझ भी सकते हैं इस चीज को, 3 ऑर्डर को भी समझ सकते हैं, लेकिन लंबा तो 3 ऑर्डर का जाएगा यहां से, चूंकि 2 ऑर्डर का है तो यहां से यहां तक हम लोग डेल्टा 1 डेल्टा 2 से एक्स वाई निकाल लिए हैं, ठीक है, बस वहां भी वही करना है। अभी थोड़ा सा एक रफ आइडिया यहां हम आपको बता देते हैं। फिर देखो डेल्टा 2 से वाई का वैल्यू निकलेगा, हाँ ना, फिर क्या करना है, जहां पर भी वाई का कोफिशिएंट है डेल्टा में उसको हटा दो, रिमूव कर दो, ठीक है, उसकी जगह पर देखो कॉन्स्टेंट टर्म को रख दो, बाद में इसको रहने दो ऐसे। अब ये तो आसानी से यहां से प्रूव करके दिखा दिए हैं कैसे x का वैल्यू डेल्टा 1 बाय डेल्टा होता है और y का वैल्यू डेल्टा 2 बाय डेल्टा होता है, हाँ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन कर लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, एक क्वेश्चन कर लिया जाए यहाँ पर।
एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। अब डिटरमिनेंट चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, डिटरमिनेंट की हेल्प से ही निकालना है। अब ये नहीं कि तुम लोग वहां इलिमिनेशन मेथड है ना ये सब मेथड लगाने लगना, बिल्कुल वो वाला मेथड यूज नहीं करना है बच्चा लोग जो 10th क्लास में आप पढ़ करके आए हो, ठीक है। बार बार यहाँ हमने लिख सकते हैं यूजिंग डिटरमिनेंट, चूंकि यहाँ डिटरमिनेंट चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं तो है ना, तो यहाँ आपको डिटरमिनेंट की हेल्प से ही निकालना है। अब चलो एक बार गिवेन सिस्टम को कॉमन कर लिया जाए। गिवेन क्या है, ठीक है। अब यहां से डेल्टा को कैसे याद रखेंगे, डेल्टा याद कर लो, बहुत आसान भी है। डेल्टा वन भी आसान है, डेल्टा टू भी आसान है। डेल्टा को याद रखने का तरीका है कि डेल्टा के पहला कॉलम में एक्स के कोफिशियंट को यहां रखना है, डेल्टा के दूसरा कॉलम में क्या करना है वाई के कोफिशियंट को रखना है। इस डिटर्मिनेंट को तुम चाहो तो यहाँ सॉल्व कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -2 आएगा -15 आएगा, ठीक है क्या, कुल मिला करके -17 हो गया। अब डेल्टा वन को कैसे याद रखना है, डेल्टा वन से एक्स का वैल्यू निकलेगा, इसीलिए डेल्टा में से है ना डेल्टा के ही कॉलम वन को हटा देना है, उसके जगह पर कॉन्स्टेंट टर्म को रखेंगे, ये आ जाएगा 5 4, ठीक है। और इसको एज इट इज रहने देना है, इसको इससे करेंगे तो -5 हो जाएगा, -12 हो गया, तो -17 हुआ कि नहीं। अब डेल्टा टू का वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा टू से वाई का वैल्यू निकलेगा, इसीलिए डेल्टा ये जो डेल्टा यहाँ दिया हुआ है ना इसके पहला कॉलम को एज इट इज रहने देना है और सेकेंड कॉलम को हटाइए, उसके जगह पर क्या करना है 5 और 4 को कॉन्स्टेंट टर्म को रिप्लेस कर देंगे, ये आ जाएगा कितना 8, ये आ जाएगा 8 -25, ये भी आ जाएगा -17 ही। अब यहां से मेरे को चाहिए एक्स, एक्स क्या होता है डेल्टा वन बाय डेल्टा, वाई क्या होता है डेल्टा टू बाय डेल्टा। अब आप देख लो -17 बाय -17 और वाई इज इक्वल टू -17 बाय -17, दोनों कट गया, 1 बचा, और यहां भी वाई का वैल्यू कितना आ गया 1, यहाँ एक्स का वैल्यू 1। आसान है, ठीक है, बिल्कुल भी बारी नहीं है। ये हो गया इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग क्या किए डिटरमिनेंट के हेल्प से सॉल्व कर लिए, ठीक है। एक और जगह है यहां बचा हुआ, चलो एक और क्वेश्चन कर लें। सॉल्व 4x एंड y। या नहीं तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया है ना, बहुत आसान है ये होमवर्क है, आप पहले करना है ना इसको, लेकिन हम कर देते हैं। डेल्टा को याद रखने का तरीका हिंट्स कर देते हैं यहाँ पर, डेल्टा को याद रखने का तरीका है ये जो 2 बाय 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, इसके पहला कॉलम में एक्स के कोफिशियंट को डालना है, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिख रहा है इसके एक्स कोऑर्डिनेट को डालना है बच्चा लोग, फिर सेकेंड कॉलम में वाई के कोऑर्डिनेट को, वाई के कोफिशियंट को। अब फिर यहां चलो यहां से डेल्टा वन निकाल लो, डेल्टा वन निकालोगे डेल्टा वन से एक्स निकलेगा, इसीलिए एक्स के जगह पर कॉन्स्टेंट टर्म को शिफ्ट करना है, एक्स के कोफिशियंट की जगह पर है ना, और बाद बाकी यहाँ -1 और -8 हो जाएगा। फिर यहां से डेल्टा टू निकाल लेना, डेल्टा टू से वाई का वैल्यू निकालता है, इसीलिए डेल्टा का जो पहला कॉलम है वो एज इट इज रहेगा, फिर सेकेंड कॉलम को हटा करके उसके जगह पर कांस्टेंट टर्म को रख लेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेना, 1 1 आएगा वैल्यू इसका है ना। अब यहां से एक्स निकालोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा 1 बाय डेल्टा, और वाई निकालोगे तो ये आ जाएगा क्या डेल्टा 2 बाय डेल्टा। यहां सब हम निकाल ही लिए, डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, इसमें मान सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो, ठीक है, आराम से निकल जाएगा सब, ठीक है। चलो आगे चलते हैं,
अब देख लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहां ले लेते हैं थ्री वेरिएबल का, फिर ये हो जाएगा यहां भी डेल्टा याद रख मतलब आसानी से याद रख सकते हैं हम लोग, यहां इसमें थ्री वेरिएबल है इसीलिए सी ऑर्डर का डिटरमिनेंट लेंगे। डिटरमिनेंट का जो पहला कॉलम होगा उसका एलिमेंट्स हो जाएगा A1, A2, A3, B1, B2, B3, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट्स हो जाएगा C1, C2, C3, थर्ड कॉलम का एलिमेंट। फिर यहां से ये मिल गया, चलो हम बाद में प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। अब डेल्टा वन से एक्स निकलेगा, बस वही कहानी है। यदि यहां मान लो एक्स निकालना है मेरे को, ये आ जाएगा डेल्टा वन बाय डेल्टा, फिर वाई निकालना है डेल्टा टू बाय डेल्टा, अब जेड मिल गया तो डेल्टा थ्री बाय डेल्टा। अब डेल्टा वन से एक्स निकलेगा, इसीलिए ये जो डेल्टा है इसमें एक्स के पहला कॉलम को हटाएंगे, उसके जगह पर कॉन्स्टेंट टर्म शिफ्ट कर देंगे, D1, D2, D3, ठीक है। फिर यहां से देखो B1, B2, B3, C1, C2, C3 हो जाएगा। अब डेल्टा 2 को याद रखने का तरीका, डेल्टा 2 से y निकलेगा इसीलिए इसको हटाओ, इसके जगह पर कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर दो, मतलब y के कोफिशिएंट को हटा देना है। यहां पर देखो y का जो कोफिशिएंट है वो कॉलम 2 में है, नहीं। फिर यहां से आ जाएगा A1, A2, A3, फिर यहां D1, D2, D3, फिर यहां आ जाएगा C1, C2, C3। उसके बाद फिर यहां से डेल्टा 3 निकालेंगे, डेल्टा 3 का जो पहला कॉलम होगा उसमें आएगा यही A1, A2, A3, दूसरा कॉलम में एज इट इज रहेगा B1, B2, B3, बट तीसरा कॉलम चेंज हो जाएगा, इसके जगह पर कांस्टेंट टर्म डेल्टा में हम लोग रिप्लेस करते हैं, ठीक है, D1, D2, D3। फिर यहां याद कर लेंगे, यहां पर वही x को निकालने का तरीका डेल्टा 1 बाय डेल्टा, फिर y को निकालने का तरीका डेल्टा 2 बाय डेल्टा, फिर z को निकालने का तरीका डेल्टा 3 बाय डेल्टा। अब ये कैसे आता है, यहां से ही मुझे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इसको यहां एक जगह उतार लो, ठीक है ना, क्योंकि हम सबके बारे में यहां लिख दिए हैं। अब चलो एक्सप्लेनेशन इसका हम करके दिखा देते हैं ये कैसे आता है। अब मुझे x चाहिए, ऐसा करते हैं इसमें x, इसमें y, इसमें z से मल्टीप्लाई करके इसी में रख लेते हैं, x का वैल्यू निकल जाएगा। यहां पर ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं यूजिंग, चलो नंबर एक कर लेते हैं, क्योंकि x, y, z तीनों निकालना है मुझे यूजिंग C1। C1 में क्या करना है, x इंटू C1, y इंटू C2 और z इंटू C3, ठीक है, z इंटू C3, यही काम करके C2 में रखना है, यही काम करके C3 में रखेंगे, x y z तीनों निकल जाएगा। यहां देखो डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बाय एक्स, फिर यहां मिलेगा A1 x प्लस कितना B1 y प्लस C1 z, फिर यहां A2 x प्लस B2 y प्लस C2 z, फिर यहां हो जाएगा क्या A3 x प्लस B3 y प्लस C3 z, फिर यहां से यदि देखा जाए तो ये आ जाएगा B1, B2, B3, फिर यहां C1, C2, C3, क्लियर। अब यहां से इसको क्या करना है, रख देना है, इसका वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू यहां देखो दिया हुआ है A1 x plus B1 y plus C1 z is equal to D1, इसका वैल्यू D2, इसका वैल्यू D3। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स, फिर यहां से निकालोगे इसका वैल्यू, ये आ जाएगा D1, D2, D3, कॉलम वन में B1, B2, B3, C1, C2, C3। इसी को हम क्या किए हैं, डेल्टा 1 एज्यूम किए हैं, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा इंटू एक्स इज इक्वल टू डेल्टा 1, फिर x इज इक्वल टू क्या हो गया डेल्टा 1 बाय डेल्टा।
सिमिलरली यदि मेरे को यहाँ वाई का वैल्यू निकालना है तो यही कहानी करके यही कंसेप्ट को सी टू में लगा देंगे, ठीक है, फिर यहाँ से वाई वाई का वैल्यू निकल जाएगा। फिर यदि मेरे को जेड का वैल्यू निकालना है तो यही कहानी करके, ठीक है। देखिए मेरे को याद रखना है ये सब चीज, इतना कर करके वैल्यू निकालना उतना आसान नहीं रहेगा, यदि याद रहेगा तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, फिर से एक बार इसको मिटाते हैं, इसको आप पहले कॉपी कर लो। यहां से देखो x हम बता दिए हैं कैसे निकला है, फिर सिमिलरली यहां हम क्या करेंगे, यहां दो नंबर कर लीजिए और फिर यहां c2 कर लेते हैं, फिर यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1 बाय y और यही कहानी यहां हो जाएगा, ये b2 की जगह पास जाएगा, ये b3 की जगह पास जाएगा, यहां a1 a2 a3 बच जाएगा, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं अंदर वाले को, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये मत समझना उसमें कोई एरर आ गया और उसके लिए हम उसको मिटा दिए, नहीं, यहाँ नंबर टू का है, यहाँ से वाई का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, एक्स हम निकाल लिए हैं, ये क्या होगा ए वन, फिर यहाँ ए टू, फिर ए थ्री, फिर ए वन एक्स प्लस, फिर आ जाएगा बी वन वाई प्लस सी वन जेड, फिर यहाँ से ए टू एक्स प्लस कितना बी टू वाई प्लस कितना सी टू जेड, फिर ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड, फिर यहां से देखो आ जाएगा सी वन सी टू सी थ्री, फिर इसके जगह बच्चा देखो डी वन डी टू डी थ्री आ गया ना, देख पा रहे हो, यदि मेरे को है ना वाई का वैल्यू निकालना है तो इसके जगह पर रखना पड़ेगा ये पूरे सिस्टम को, ये पूरे को, इसके एलएचएस को, जब इसके एलएचएस को इसके मतलब वाई का जो कोफिशिएंट है उसके जगह पर रखेंगे, इसको फिर इससे रिप्लेस कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसीलिए हम बोलते हैं यदि x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो इसी डेल्टा में क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है उसको हटाओ, उसके जगह कांस्टेंट रखो, y का वैल्यू निकालना है इसी डेल्टा में, y का जो कोफिशिएंट है उसको हटाओ, उसके जगह कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करो, फिर यदि z का वैल्यू निकालना है तो z का जो कोफिशिएंट है उसको हटाओ, जो कि कॉलम 3 में है, उसके जगह पर कांस्टेंट टर्म को रिप्लेस कर दो। अभी देखो यहां आ जाएगा क्या a1 a2 a3, फिर यहां से आ जाएगा d1 d2 d3, फिर यहां आ जाएगा c1 c2 c3, नहीं अच्छा निकल गया, फिर इसको हम लोग मानेंगे अभी क्या, अभी क्या मानेंगे, इसी चीज को मानेंगे डेल्टा 2। अब यहां दिखा क्या, डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 बाय वाई इज इक्वल टू डेल्टा 2, y से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा y, फिर यहां से y निकालेंगे क्या मिलेगा डेल्टा 2 बाय डेल्टा, x भी निकालने के लिए सीख गए, ठीक है, y भी निकालने के लिए सीख गए, अब z निकाल लेते हैं, z के लिए फिर अब तीसरा ऑपरेशन लगाएंगे इसी डेल्टा में और फिर यहां इसी चीज को c3 में डाल दो, ठीक है, इसके जगह पर डाल दो, फिर यहां देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय वाई, फिर यहां से ए वन ए टू, ओ यहाँ 1 बाय वाई क्यों होगा, कॉलम 3 में रखें इसीलिए यहाँ 1 बाय जेड हो जाएगा, फिर यहाँ बी वन बी टू बी थ्री, फिर इसके जगह पर रिप्लेस हो जाएगा डी वन डी टू डी थ्री, ठीक है, फिर इसको डेल्टा 3 मानेंगे, ये क्या आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 1 by z is equal to delta 3, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, z into delta is equal to delta 3, फिर delta का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, अच्छा delta नहीं z का वैल्यू निकालेंगे, delta क्यों निकालेंगे हम, आ रही बात समझ में, जितना भी यहां हम लिखे हैं x y z का वैल्यू देखो सबको हम सिद्ध करके दिखा दिए कैसे कैसे आता है, ये x का वैल्यू डेल्टा 1 में डेल्टा कैसे आता है, y का वैल्यू डेल्टा 2 में डेल्टा कैसे आता है, z का वैल्यू डेल्टा 3 बाय डेल्टा कैसे आता है, ठीक है, सबका एक्सप्लेनेशन ऐसे ही करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेते हैं, थ्री ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से कैसे हम लोग किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है,
उसके ऊपर। और ये जितना भी मेथड आप देख रहे हैं, जो भी अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्रेमर्स नाम का एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, वही किए थे सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिटरमिनेंट की हेल्प से सॉल्व किए थे, ठीक है। आप पहले वो किए, उसके बाद फिर है ना अब हम लोग करने लगे हैं, उन्हीं का दिया हुआ ये सब कंसेप्ट है कि कैसे डिटरमिनेंट को हम लोग नहीं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिटरमिनेंट की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं, उन्हीं का दिया हुआ है एक्चुअली। आप इसको क्रेमर्स रूल के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बस याद रखना है यहां पर x का वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, x के वैल्यू को याद रखने का तरीका है डेल्टा 1 बाय डेल्टा, y के वैल्यू को याद रखने का तरीका है डेल्टा 2 बाय डेल्टा, और z के वैल्यू को याद रखने का तरीका है डेल्टा 3 बाय डेल्टा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड आराम से निकाल लेंगे, है ना। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकल जाएगा, तो एक्स वाई जेड भी निकल जाएगा। डेल्टा तो निकालने के लिए आता ही है, डेल्टा तो बहुत इजी है निकालना। चलिए क्वेश्चन है, देखिए क्या, सॉल्व फॉर एक्स वाई एंड जेड इफ, चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से ये जो गिवन सिस्टम है इसको रिपीट कर लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। और फिर यहां से डेल्टा निकाल लेते हैं, 1 4 2 एक्स के कोफिशियंट को पहला कॉलम, 2 -3 5, उसके बाद 1 2 -3, इसका वैल्यू भी बगल में निकाल लेते हैं, सारा सूत्र लगा लेते हैं, ये आ जाएगा 9, फिर इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा +8, फिर इसको इससे करेंगे प्लस आ जाएगा कितना 20, फिर माइनस, फिर इसको इससे करेंगे -6, इसको इससे करेंगे +10, फिर इसको ऐसे करेंगे, देखो 4 × 2 = 8 या 24, -24 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहां से कैसे निकालेंगे देख लो, 28 और 9 37 हो जाएगा शायद, नहीं ये आ जाएगा कितना 37, ये 24 और 30 और -20 +20 आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 57। जैसे भी हो इसका वैल्यू निकाल लेना है यहां से। अब डेल्टा 1 को कैसे हम लोग याद रखते हैं, डेल्टा 1 से ओ इतना शायद दिखाई नहीं देगा, डेल्टा 1 को याद रखने का तरीका है डेल्टा 1 से x का वैल्यू निकलेगा, इसी डेल्टा से क्या करना है, c1 को हटा देंगे, उसके जगह पर 843 को कांस्टेंट टर्म को लिख देना है 843, उसके बाद फिर इधर एज इट इज रहने देना है, सेम टू सेम जो चीज यहाँ रिपीट हो रहा है उसको रहने देना है, यहाँ आ जाएगा 2 - 3, फिर यहाँ आ जाएगा 5, फिर यहाँ आ जाएगा 1 2 - 3, फिर यहां से इसका वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप निकालना, टाइम लग जाएगा नहीं तो बहुत ज्यादा। फिर यहाँ डेल्टा 2 को कैसे याद रखेंगे, डेल्टा 2 से y का वैल्यू निकलेगा, एक्स c1 को रहने देते हैं। अब देखो ये यही है d1 d2 d3, अब पहले इसको रहने दो, यहां पर 1 1 4 2, मतलब x के कोफिशियंट वाले को कुछ भी नहीं कहेंगे, इसको यहां डाल देना है, ठीक है, ये आ जाएगा 8 4 3, इसको हटा दो, यहां से y निकालना है मुझे 1 2 - 3, फिर ये डेल्टा 2 भी निकल जाएगा, डेल्टा 1 भी निकल जाएगा, मान लो ये निकल करके, ठीक है, ये निकल करके अल्फा आया, ये निकल करके बीटा आया, ठीक है। अब डेल्टा 3 निकालेंगे, डेल्टा 3 से z का वैल्यू निकलेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये दोनों इसके जगह खाली कांस्टेंट टर्म शिफ्ट हो जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ये आ जाएगा कितना 1 4
टू माइनस थ्री फाइव, और इसकी जगह डी वन डी टू डी थ्री को रिप्लेस करेंगे तो एट फोर थ्री, एट फोर थ्री, ठीक है। मान लेते हैं इसका वैल्यू आ गया क्या गामा, जो भी, अरे आप सॉल्व करने के लिए जानते हो ना डिटरमिनेंट को, जो भी आएगा आराम से निकाल सकते हो। अब फिर मेरे को एक्स निकालना है, एक्स क्या हो जाएगा डेल्टा वन बाय डेल्टा अर्थात अल्फा बाय 57 है, नहीं अल्फा निकल जाएगा आपसे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके, यहां रखना। वाई क्या आ जाएगा डी टू बाय अर्थात बीटा बाय 57। अब ये आंसर नहीं है, बीटा नहीं है, मान लेते हैं कि इसका वैल्यू कुछ भी आ गया, ठीक है वही चीज है बीटा। फिर डेल्टा थ्री बाय डेल्टा, डेल्टा थ्री का वैल्यू मान निकला है गामा मान लो, और ये आ जाएगा 57 क्योंकि डेल्टा हम निकाल चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं डिटरमिनेंट की हेल्प से। चलिए हम आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है आज इतना ही रहने देंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाने के बाद बच्चा देखना पसंद नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए होमवर्क आप ले लीजिए, ठीक है आसान है यहां तक समझना। अब जो हम अगले लेक्चर को लेकर के आएंगे उसमें नेचर ऑफ है ना सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। कभी कभी सिस्टम लीनियर इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन भी आता होगा, कभी इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आएगा, कभी इसका यूनिक सॉल्यूशन भी आएगा, कब इसका यूनिक आएगा, कब इसका इनफाइनाइट आएगा, कब इसका नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है उसके ऊपर उस लेक्चर में बात करेंगे 12वां लेक्चर में, ठीक है क्लियर है क्या। चलिए अभी इसको मिटाते हैं और होमवर्क आपको दे देते हैं करने के लिए। एक और दे देते हैं, ठीक है इसको थोड़ा सच्चे से देखेंगे, ठीक है डेल्टा निकालने में आपका हालत खराब हो जाएगा नहीं तो। इजी है ना, निकालोगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा सब कुछ। डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री को है ना आसानी से आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना, करते करते हो जाएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम चाहें तो समझ सकते हैं, किसी से भी नहीं हो सकता ये चीज, ठीक है। एक बार ना एक बार कभी न कभी बच्चा को है ना देखना ही पड़ता है चीजें को, जब आप एक बार देख लेते हैं किसी चीज को फिर ठीक है दोबारा माइंड अपने आप है ना काम करने लगता है कि जैसे इसके ऊपर हम मान लीजिए तीन चार बार इस क्वेश्चन के ऊपर काम किए, फिर जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आए तो ऑटोमेटिक लगेगा डेल्टा
कैसे निकालना है, डेल्टा वन कैसे निकालना है, डेल्टा टू कैसे निकालना है, डेल्टा थ्री कैसे निकालना है, फिर सब में वही बात है। लेकिन यहाँ आप आकर के अटकोगे, यहाँ देखो एक मतलब जैसे यहाँ सिस्टमेटिकल तरीका से है ना, एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, उस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ नहीं है। पहले एक्स वाले को लिखना है, फिर वाई वाले, फिर जेड वाले को, फिर यहाँ एक्स वाला, तब वाई, तब जेड, तब जा करके तुम डेल्टा निकाल सकते हो। अदरवाइज यदि ऐसे निकाल दिए ना भूल से भी इस क्वेश्चन के ऊपर 1, 5, 8, अब जैसे जैसे देख रहा है स्कूल बच्चा सब ऐसे ही करता है, ठीक है क्या, 1 - 4, 7, अब यहां से निकालोगे एक्स निकलेगा ही नहीं। हम तो ये बोले हैं ना एक्स के कोफिशियंट को पहला कॉलम में डालेंगे, तो एक्स का कोफिशियंट यहाँ 1 है। यदि हम निकालेंगे इस चीज को, यहाँ एक्स का कोफिशियंट 1, फिर यहाँ देखेंगे एक्स का कोफिशियंट कितना, -3, फिर यहाँ एक्स का कोफिशियंट है 7, ये सही होगा। फिर वाई का कोफिशियंट -2, फिर वाई का कोफिशियंट कितना, -4, फिर वाई का कोफिशियंट कितना है 8, फिर जेड का कोफिशियंट का बात किया जाएगा 1 होगा, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 5, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 9, ठीक है। ऐसे करके निकालेंगे तब जा करके मेरा क्या होगा, डेल्टा निकलेगा, फिर डेल्टा 1 निकालना है, आसानी से निकल जाएगा डेल्टा 1। खाली डेल्टा 1 से एक्स निकलता है, तो एक्स की जगह पर एक्स का जो कॉफिशियंट है उसकी जगह 0, 0, 90 एड कर लेना है यहाँ पर, ये एज इट इज रहेगा 159। फिर डेल्टा 2 निकालना है, ठीक है क्या, ये एज इट इज रहेगा, फिर इसके जगह खाली आ जाएगा 0, 0, 98, फिर 159। फिर डेल्टा 3 निकालना है, ये दोनों एज इट इज रहेगा, मतलब 1 - 3, इक्वेशंस को देखना भी नहीं है, -2, -4, 8, फिर यहाँ आ जाएगा 0, 0, 98। यहाँ 2 जीरो है इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, यहाँ भी 2 जीरो है इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, C2 के अलोंग यहाँ 2 जीरो है, C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 मिल जाएगा, यहाँ से डेल्टा का वैल्यू निकाल लेना। फिर एक्स निकालना है, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा 1 बाय डेल्टा, फिर वाई निकालना है डेल्टा 2 बाय डेल्टा, और जेड निकालना है डेल्टा 3 बाय डेल्टा, हो जाएगा, ठीक है। चलो आज इतना ही, अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ाने वाले हैं हम आपको पहले ही बता दिए हैं, ठीक है, यही कहानी को आज ब्रेक करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।